नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं स्वाति। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, सांसद जनार्दन मिश्रा के साथ रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला सम्मिलित हुए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश सरकार ने एक संकल्प लिया है। श्री गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व वाला कोई आदमी नहीं है। प्रधानमंत्री के किए गए कार्यों संकल्प को याद दिलाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। श्री गौतम ने कहा कि वह विदेश यात्रा में टोरंटो गए थे, जहां भारत को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री को लोग जानते हैं। आइए आपको सुनाते हैं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और अन्य नेताओं ने क्या कहा। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का यह कहना है कि देश को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री को लोग जानते हैं। कहाँ तक उचित है वही जाने, क्योंकि देश सर्वोपरि है। देश प्रधानमंत्री से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री देश से है। जी के 17 सितंबर के जन्मदिवस से लेकर के महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर तक ये सेवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार ने एक संकल्प के साथ इसको पूरी तरह से आयोजित किया गया। केवल इतने कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का दूसरा कोई व्यक्ति है नहीं, तो व्यक्तित्व कोई ऐसा नहीं मिल गया कि नरेंद्र मोदी है इसलिए व्यक्तित्व मिल गया। उनके कृतित्व द्वारा, उनके किए गए कार्यों द्वारा, उनके संकल्पों द्वारा जो जीवन में संघर्ष करके इस नए मुकाम को प्राप्त किया है, न केवल हिंदुस्तान के बल्कि पूरे देश के एक तरह से नायक के रूप में देखे जाते हैं। मैं अभी गया था विदेश में टोरंटो में, तो वहाँ मैं गया तो कनाडा में जब मैं देखा तो भारत को कम जानते हैं, नरेंद्र मोदी को ज़्यादा जानते हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती, कहीं पूछो। और केवल ये नहीं, ये केवल उनकी प्रेरणा से है। मैं तो दंग रह गया। अमृत महोत्सव वहाँ भी मना रहे हैं, हमारे जो हिंदुस्तान के वहाँ पर प्रवासी हैं जो हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास की गाड़ियों में रैली निकाल रहे हैं तिरंगे झंडे के साथ इस तरह से। तो ये केवल मोदी ही कर सकते थे, ये उनका इसीलिए उस व्यक्तित्व को लेकर के, इसलिए ऐसा करके नहीं कि केवल हम लोग के उनको करना, सेवा सप्ताह के रूप में मनाना, ब्लड का डोनेशन करना, पेड़ों को लगाना, तमाम सारी चीज़ें करना जो भी समाज के लिए उपयोगी हो सकता है, उस काम करने के लिए ये पखवाड़ा बनाया जा रहा है और तमाम सब लोग लगे हुए हैं। इस अवसर पर मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इसको देखने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेके और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक जो सेवा सप्ताह और मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान मध्य प्रदेश के अंदर शुरू हुआ है, उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं, उनके जन्म से लेके और उनका वैराग्य में जाना, फिर राजनीति में वापस आना और फिर सारी दुनिया में जिस तरीके से उन्होंने भारत का परचम लहराया है और वैश्विक नेतृत्व के रूप में उभर के सामने आए हैं, उनके प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा के तत्वावधान में जो हुआ है, उसका उद्घाटन आज आदरणीय स्पीकर साहब ने किया है। और उनके पूरे जीवन परिचय को इस प्रदर्शनी में देखने के बाद, चित्रों को देखने के बाद प्रेरणा मिलती है कि जनसेवा के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जब समर्पण के साथ काम करता है तो जनता का उसको आशीर्वाद भी मिलता है और वो देश के और समाज के को आगे बढ़ाने में किस तरीके से काम करता है। तो मेरी अपील है कि सारे लोग यहाँ पर आकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और मोदी जी के जीवन से जुड़ी हुई जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा के द्वारा, उसको जरूर देखें, उससे और उससे प्रेरणा लें। करके महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन तक ये सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी मना रही है और इस प्रदर्शनी को देख के ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति जन सरोकारों से जुड़ करके और किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को चिन्हित करके और उन्हें एक सफलता के मुकाम तक पहुंचा करके देश को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, चाहे वो बालपन से उनका जो घड़ियाल पकड़ने का मामला रहा हो, चाहे स्कूल जाने का रहा हो, माताजी के साथ जो उन्होंने अपने
पल जो समय बिताया, उस कष्ट को झेला, और वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में मानस पटल पर अंकित रहीं। और जब उनको मौका मिला तो उन्होंने इस देश का कायापलट करने के लिए गरीब से गरीब आदमी से लेकर के नारियों का सम्मान से लेकर के उनकी सुरक्षा से लेकर के और देश को विश्वगुरु को के स्थान पर ले दुनिया में विश्वगुरु तक बनाने का जो संकल्प है वो सब इस प्रदर्शनी में दृष्टिगोचर होता है।